नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेतीबाड़ी और किसानी में। मैं हूं अनुज, आपका किसान दोस्त। आज मैं आपको एक ऐसे कृषि विशेषज्ञ से मिलाऊंगा जो बीएससी एग्रीकल्चर, एमबीए एग्रीकल्चर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से उन्होंने 2015 के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और साथ ही में उन्होंने 10 सालों तक एक केमिकल कंपनी में काम किया। वो केमिकल कंपनी दवा बनाती है कृषि कार्यों के लिए, जैसे कीटनाशक, फंगिसाइड, तमाम प्रकार की दवाइयाँ है, टॉनिक हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, वहाँ पे उन्होंने काम किया है। आज उनका अपना खुद का एक शॉप है, बीज भंडार है, वहाँ पे वो काम करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम हर एक दवाइयों के बारे में आपको पूरी जानकारी एकदम विस्तार से देंगे। एक एक दवाई का उसमें कौन सा केमिकल मिला हुआ है, वह केमिकल कैसे काम करता है फसलों पे, और उसका प्रयोग आपको कब करना चाहिए, और उसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कितने दिन तक उस कीटनाशक या फिर जो भी दवा रहेगी उसका असर रहेगा फसलों पे, कौन कौन सी फसलों पे यह दवा छिड़काव करनी है, सारी जानकारी आपको हम उनके माध्यम से दिलवाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके लिए हम प्लेलिस्ट बनाएंगे दवाओं के बारे में। जो भी सीरीज बनेगी हर एक पर्टिकुलर दवा का एक एक वीडियो बनेगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के आप अच्छे जानकारी ले सकते हैं कौन सी दवा कब यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को दवा के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो वो गलत दवा का प्रयोग करते हैं फसलों पे, जिससे फसल नुकसान होता है। तो आइए मिलाते हैं उनसे, चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अभिषेक मौर्य फ्रॉम कृषि विकास केंद्र बेलाव कलाका जौनपुर। आज मैं आपको काइट घरड़ा केमिकल के बारे में, जिसमें जिसका टेक्निकल है इंडोक्साकार्ब 14.5% प्लस एस्टामिप्रिड 7.10% के बारे में जानकारी दूंगा, और मैं आपको यहाँ के किसानों का अनुभव भी शेयर करूँगा जो काइट का प्रयोग करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। काइट में दो प्रकार के केमिकल होते हैं। पहला केमिकल इसमें होता है इंडोक्साकार्ब, जो चबाने वाले, कुतरने वाले, जो भोड़िला टाइप के होते हैं, फली छेद, जैसे फल में छेदने वाले होते हैं, स्टेम बोरर होते हैं, जो वो ये इनके लिए इंडोक्साकार्ब बहुत अच्छा होता है। और काइट में दूसरा केमिकल होता है एसिटामिप्रिड 7.7%, ये सफ़ेद मक्खी, तेला, माहू, इस पर बहुत बढ़िया काम करता है। इसका जो हमारे यहाँ के किसान हैं काइट का प्रयोग किए हैं वो बताते हैं इसका असर 15 से 20 दिनों तक रहता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो 12 से 15 दिन तक का प्रयोग रहते हैं, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो 20 दिनों तक इसका असर रहेगा आपके यहाँ। आप काइट का प्रयोग ऑल वेजिटेबल पे यूज कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, किसी भी फसल का मतलब ऑल वेजिटेबल में आप इसका प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं। इस काइट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। किसान भाइयों, आज मैं आपको काइट का डोज बता रहा हूँ। एक टंकी में 15 से 20 ml, 15 लीटर की टंकी हो, 15 से 20 ml आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस है आपका, इस पर MRP 550 है, लेकिन 500 के इर्द गिर्द या कम बेसी में आपको मिल। किसान भाइयों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय जवान, जय किसान।